मेरा ऑब्जर्वेशन है जो 2019 में चुप था वो बोल रहा है जी। तो वो ऐसा बोल रहा है कि हाँ ठीक है राम मंदिर मैंने अच्छा किया, 370 रद्द किया अच्छा किया, लेकिन अभी वो बस हो गया। बेरोजगारी पे बोलो, नौकरियों पे बोलो, महंगाई पे बोलो। शरद पवार और उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये दोनों के प्रति महाराष्ट्र की जनता में एक सहानुभूति है और उस सहानुभूति के बल पर वो दोनों आप सब जगह जाके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं और उसका ये दोनों को बेनिफिट हो रहा है और उनके साथ कांग्रेस है। वो लोगों ने राज ठाकरे के साथ भी अलाइनमेंट की, जिनकी 2019 में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज राज ठाकरे ने मोदी साहब को किया था। मतलब कोई अदर पार्टी, मतलब उद्धव ठाकरे ने जितना क्रिटिसाइज नहीं किया उससे ज्यादा राज ने किया था। वो लावरे तो वीडियो नाम से बहुत सारी चीजें, तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं है वो वही साबित कर रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस किस्म वाला पोलराइजेशन का, कम्युनल पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स किया है, उसके वजह से सभी पार्टियों को इसका एक डर है कि वो खुल के कम्युनल इश्यूज के ऊपर कुछ बात करें या ना करें। और मैं समझता हूँ ये डर जायज भी है क्योंकि मीडिया का रुख जिस किस्म का है उसमें आपने, मैंने कुछ एक बात कही तो उसको किस ढंग से पेश किया जाए उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं, मीडिया के बाकी पॉलिटिशियंस का नहीं है। आपने पूछा कि कांग्रेस एनसीपी ने दिया नहीं, दिया जिन्होंने है एमआईएम और वंचित जो भी मुस्लिम उम्मीदवार, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बेटी, ये आरोप है मैंने मानता हूँ। तो ये देखिए जो बीजेपी को जिनकी मदद हो सकती है, अभी अजीत पवार जो है वो भाजपा के साथ है, उनका अगर आपने मैनिफेस्टो देखा तो उन्होंने क्या कहा है कि बावजूद इसके हम पुरोगामी पार्टी हैं, हम सेक्युलर हैं, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी वो सब भूल गए। तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले बताया था, उन्होंने ये बताया कि हम हाज हाउस बनाएंगे, उन्होंने मुस्लिम मेड़ावा भी लिया था, लिया था वक्फ बोर्ड के लिए 1 करोड़ की ये की है। आधे से ज़्यादा मराठा समाज के लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट मिल गया और वो ओबीसी में शिफ्ट हो, इसीलिए ओबीसी जो ओरिजिनल है यानी पहले वो बहुत डिस्टर्ब, उनको खतरा महसूस हो रहा और वो ओबीसी जो बेसिकली बीजेपी के साथ है वो डिस्टर्ब होगा। और अगर वो विदर्भ में अगर शिफ्ट हो गए या मराठवाड़ा में अगर वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गए वो बीजेपी के वोट को बहुत बड़ा धक्का सकता है। कम लोगों को पता है कि पूरे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थाएं लगभग वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आती थी, वो पूरे एक साथ आके उनने निर्धार महाराष्ट्र का नाम से एक कैंपेन चलाया। एक तो उसमें क्लियर मेंशन है उसमें उनका एजेंडा कि बीजेपी आरएसएस को हमें सत्ता से हटाना है। बीजेपी विल हैव टू लर्न लेसंस कि इस किस्म का अनैतिक राजकारण महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। पॉलिटिकल आरोगेंस विद अनैतिकता, अनैतिकता है आप किसी को बोले कि आप हमारे साथ आए और हम आपको साफ सुथरा डिक्लेयर करें, ये चोरी का मामला है। मेरा अनुमान है कि ये जो 12 जगह पे सीट होगी, लास्ट टाइम 9 थे, बीजेपी और शिवसेना 4 या 5 में सिमट जाएंगे और 7 से 8 तक महाविकास आघाड़ी जाएगी, ऐसा अभी का अनुमान है। शिंदे गुट का लिए 1 या 2 सीट निकल सकती है, अजीत पवार का आने की बहुत कम चांसेस है, एक आध दूसरा सीट निकल गए तो निकल गए, ये पश्चिम महाराष्ट्र की अभी की स्थिति। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। मुंबई बारामती का सफ़र करके, इलेक्शन चुनाव का कवरेज करके अब मैं बैठा हूँ पुणे में। पुणे जो कि महाराष्ट्र में विद्येच माहिरगर ऐसा कहा जाता है, यानी द सिटी ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। यहाँ पर आप देखते हैं सालों साल से एजुकेशन को हमेशा एक इम्पॉर्टेंस दी गई है, यहाँ पर जर्नलिज्म फल फूलता है, यहाँ पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग रहते हैं, तो एक तरीके से एक कल्चरल और पॉलिटिकल माहौल भी यहाँ पे रहता है। और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि अब पिछले कुछ 10-15-20 सालों से पुणे एक आईटी हब भी बन चुका है, तो आज इस आईटी हब में और विद्येच माहिरघर में हम महाराष्ट्र के पुणे के 5-4 ऐसे लोगों से बात करेंगे, पत्रकारों से और सोशल एक्टिविज़म में जो लोग हैं उनसे बात करके जानेंगे इस महाराष्ट्र की राजनीति का रुख किस तरफ जा रहा है। दिल्ली से जब हम आ रहे थे तो हमें कहा गया कि महाराष्ट्र एक बैटल ग्राउंड स्टेट है और हमें उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है। यानी कि जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो शायद हमें योगी आदित्यनाथ आगे दिखते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो शायद वहाँ पर भी हमें भाजपा आगे दिखती है,
अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस आगे दिखती है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आज भी 30% मतदाता क्या करेगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। और उसी अंदाजे को, उसी अंदाजे का अंदाज़ा लगाने आज हम पुणे में बैठे हैं, और मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश पैनल है। मैं बहुत खुश हूँ इन सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है संदेश भंडारी सर। संदेश जी फोटो जर्नलिस्ट है और इनका जो वारकरी संप्रदाय पे काम है वो बिल्कुल सराहनीय है, आप सबको गूगल पर जाकर देख लेना चाहिए। वेलकम सर। मेरे बिल्कुल बगल में जो बैठे हैं अद्वैत मेहता है। अद्वैत हमारे जैसे ही डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, बोल भिड़ू महाराष्ट्र का मतलब पिछले 5 साल में अगर किसी ने कुछ लैंडमार्क काम किया एक तरीके से, मैं कहूँगा व्यूज़ के मामले में और जानकारी को आसानी से पहुँचाने के लिए लोगों के पास, तो अद्वैत जी और उनकी टीम ने किया है। अद्वैत जी का भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। मेरे राइट पर है ज्ञानेश्वर बिजले जी। ज्ञानेश्वर जी लगभग 35-40 सालों से पत्रकारिता करते हैं। उनका कहना है कि जो एक बार व्यक्ति पुणे में आ जाता है वो कभी पुणे छोड़ता नहीं है। इन्होंने भी वही 35 साल पुणे में ही पत्रकारिता की है और पुणे की और महाराष्ट्र की राजनीति से राजनीति की नस नस से वो वाकिफ है। और मेरे एक्सट्रीम राइट पर है प्रमोद मुजुमदार सर। प्रमोद मुजुमदार राइटर है, कह सकते हैं इनको जर्नलिस्ट भी है, क्योंकि वो तमाम जगहों पर जाकर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ग्राउंड पर स्थिति को देखते हैं। इन्होंने कई अच्छी किताबों का मराठी में ट्रांसलेशन किया है और इनके ट्रांसलेशन को अवार्ड भी मिला है बहुत, तो एक तरीके से एक बहुत महान एक तरीके से लिटरेरी फिगर हमारे साथ है हमारे पैनल में। तो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है हमारे साथ, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट, एक ओल्ड स्कूल पत्रकार और एक लिटरेरी पर्सन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वायर के इस खास कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो मैं अद्वैत सर से ही शुरू करता हूँ और इसी सवाल को आप भी मतलब आप भी इसी सवाल का जवाब आप अपने तरीके से दे सकते हैं। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में, 2.5 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आया कि जो लगता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आदेश सिर्फ एक ही व्यक्ति देता है और आदेश का फिर पालन होता है, लेकिन इस धारणा को एकदम ही तोड़ दिया एकनाथ शिंदे ने। तो इस स्प्लिट के बाद क्या ये स्प्लिट की जो बात थी, स्प्लिट की जो पूरी राजनीति थी, उसका इम्पैक्ट आज के चुनाव पर कैसे हो रहा है? सही कहा आपने कि ये पहला बड़ा चुनाव है जो स्प्लिट के बाद हो रहा है, और एक स्प्लिट नहीं 2 स्प्लिट हुए। जब एक स्प्लिट हुआ था उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे, तो उसके बाद में 2 उपचुनाव हुए, एक कस्बा का और एक अंधेरी का। लेकिन अब जब बाद में अजित पवार भी गए बीजेपी के साथ, तो उसके बाद ये बड़ा चुनाव हो रहा है और वो भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही अंदाज़ा लगाना कठिन है, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। जो तोड़फोड़ हुआ दोनों पार्टी में, जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, किसी भी नेता पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तो जेल जाता है या तो फिर बीजेपी जाता है। तो इस बैकग्राउंड पर देखना चाहिए कि अब बीच में अगर स्थानीय स्वराज संस्था का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो जाता तो शायद ये गुस्सा निकल जाता। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो नाराज़गी गुस्सा है तो अब शायद इस चुनाव में ईवीएम के माध्यम से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा गुस्सा किसी एक पार्टी का, अभी वो लोगों के ऊपर है कि मतदाता किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है महाराष्ट्र, जो आपने कहा बैटल ग्राउंड, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। और जो कि सभी जगह पे एक मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हम ये बोल सकते हैं कि मोदी वर्सेस ठाकरे एंड पवार, ओके, ऐसा भी नरेटिव है। ओके, और एक चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो सर ने अभी पॉइंट मेंशन किया उसमें उन्होंने कहा कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव नहीं हुए, तो लगभग कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर 8 या 9 साल से नगर सेवक म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव होता है वो नहीं हुआ, उसका कारण क्या है वो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जी जी। तो मैंने जैसे कहा कि तो ये तो एक है, और जैसे कि मोदी वर्सेस ठाकरे पवार, कांग्रेस भी है, लेकिन जो कहा कि पार्टियाँ स्प्लिट हुई तो ज़्यादा ठाकरे और पवार है, तो ये एक है। और बारामती देखे तो वहाँ पे अजित पवार वर्सेस शरद पवार, तो अलग अलग नरेटिव है। और जो देखो कि इतना कठिन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाना पत्रकारों के लिए भी बहुत ये हो चुका है कि अगर बारामती में हम जाए तो
पता नहीं लग रहा है कि क्या होने वाला है। एक ही उदाहरण देता हूँ, जब राज ठाकरे ने शरद पवार का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने रैपिड फायर में एक सवाल पूछा था कि राज या उद्धव, तो उन्होंने जवाब दिया था ठाकरे फैमिली। तो मैं गया था बारामती, तो बारामती में मैंने लोगों से पूछा शरद पवार या अजीत पवार, सुनेत्रा या सुप्रिया, तो लोग बोलते पवार फैमिली, पवार फैमिली। तो देखो ये है, तो इससे पता चलता है कि लोग क्या करने वाले हैं पता नहीं है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो होगा। सो सर आपसे भी यही सवाल है कि आप कैसे देख रहे हैं स्प्लिट को जो दो साल ढाई साल पहले हुआ, क्या क्या इफेक्ट होगा स्प्लिट का राजनीति पर? अगर हम पीछे गए थोड़े से तो 1999 पहली बार एनसीपी की स्थापना हो गई थी, शरद पवार कांग्रेस से बाहर आ गए थे, उस वक्त तक कारगिल का एपिसोड हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था और महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सत्ता थी और इस इलेक्शन में देश में अटल जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और महाराष्ट्र में कांग्रेस एंड एनसीपी जीत के आ गई और उन्होंने सत्ता महाराष्ट्र में हो गई। 25 साल हो गए हैं जी। अब राष्ट्रवादी में बिखराव हो गया है, जो बीजेपी उस वक्त बहुत छोटा पार्टी थी, शिवसेना के साथ थी, उन्होंने अब शिवसेना को तोड़ दिया है बालाजी ठाकरे जाने के बाद, और 25 साल के बाद अब शिवसेना बालाजी ठाकरे की है, उनकी नहीं है ऐसा निवडणूक आयोग ने बोल दिया है। और एनसीपी जो शरद पवार की जो लोग मानते हैं, लेकिन निवडणूक आयोग ने बोल दिया है कि एनसीपी उसकी नहीं अजीत पवार की है, वो दोनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है। इस वजह से अब शरद पवार और उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये दोनों के प्रति महाराष्ट्र की जनता में एक सहानुभूति है और उस सहानुभूति के बल पर वो दोनों अब सब जगह जाके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं और उसका ये दोनों को बेनिफिट हो रहा है और उनके साथ कांग्रेस है। अच्छा, ये जो बदल हुआ है, ये गए 5 साल में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पहला चेंज उस वक्त हुआ जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुन के आए और उसके बाद शिवसेना ने उसको छोड़ दिया बीजेपी को और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ आ गए। उसके बाद 2.5 साल के बाद जब बीजेपी को ऐसा लगे कि हम महाराष्ट्र में जीत के नहीं आएंगे अकेले के दम से, इसीलिए उन्होंने शिवसेना में स्प्लिट किया, उसके बाद शिवसेना के साथ भी आके हम चुन के नहीं आएंगे ऐसा सोच के उन्होंने एनसीपी में स्प्लिट कर दिया और अब वो राज ठाकरे के पीछे पड़े कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो ऐसा क्या है कि मोदी जी एक पावरफुल नेता है एक देश के और 2 बार सत्ता में आए हैं, ऐसा मतलब भारत की राजीव गांधी के बाद की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट? मोदी जी, मुझे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है आपसे। मोदी जी गुजरात के बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन महाराष्ट्र में गए 25 यानी 40 साल में एक लीडर कभी महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं कर रहा, सब छोटे छोटे 50-60-75 तक जा रहे हैं। लास्ट 2 बार बीजेपी 100 तक गई, लेकिन 144 या हमारा जो मैजिक फिगर है 144 महाराष्ट्र का, वो किसी सिंगल पार्टी टच नहीं कर रही और उसके आगे भी नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ अलायंस की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अब ये 3 का अलायंस अगेंस्ट 3 का अलायंस आ गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लास्ट 2-3 इलेक्शन देखे तो बीजेपी शिवसेना वर्सेस कांग्रेस एनसीपी रहता था, अब ये हुआ है कि 2 पार्टी के स्प्लिट हो गए, किसके पार्टी में ज्यादा वोट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा उसके ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिसीजन डिपेंड रहेगा। इसीलिए अभी लोकसभा में अगर ये इलेक्शन हम देख रहे हैं तो लोकसभा में बीजेपी को 23 आए थे लास्ट टाइम जी, और बाकी 18 शिवसेना के थे और एक इंडिपेंडेंट आया था। अब ध्यान में रखो कि ये जो 23 है उतने ही बीजेपी के आने वाले के नहीं, इसकी बारे में बहस हो रही है और शिवसेना के उनमें से शिंदे ग्रुप ने झगड़ा करके अपनी तरफ 15 जगह ले लिया है, तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना होने वाली है। तो उस वक्त बीजेपी एंड कांग्रेस एनसीपी के वोटर्स वहाँ के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरफ जाएंगे उसके ऊपर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन का रिजल्ट डिपेंड है। इसीलिए महाराष्ट्र में कम से कम 1520 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत क्लोज फाइट हो रही है और कौन जीत के आएगा ये बताना अभी तक मुश्किल है। 20-25 हज़ार के अंदर कोई तो जीत के आएगा ऐसे चिन्ह। 20-25 हज़ार लोकसभा में बहुत कम वो होता है। आप स्प्लिट के बारे में तो कही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आपको भी क्या यही लगता है कि आप क्योंकि घूम रहे हैं महाराष्ट्र में और लोगों से अपना ओपिनियंस ले रहे हैं, क्या इस
स्प्लिट की वजह से बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट है आपको लग रहा है अभी भी? एक चीज उसमें बहुत सारा ऐड मेहता जी ने और बिजले जी ने पॉलिटिक्स पूरे महाराष्ट्र का बताया, लेकिन पिछले 3-4 महीने में एक अलग तरह की लोग बात करने लगे। एक तो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के सत्ता में गए, शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट हो, लोगों का कहना है, मतलब बात करते समय, कि उन्होंने पद छोड़ना चाहिए था, फिर इलेक्शन करना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था। तो उनके समर्थन वाले लोग भी आहिस्ता दबे हुए शब्दों में ऐसी बात करें, तो मुझे लगता है ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती कि जो खुलेआम गए और अपना पद छोड़ा नहीं, लोगों के सामने गए नहीं, ये लोगों को थोड़ा सा खराब लग रहा है, ऐसा मेरा आकलन है। एक चीज, दूसरी चीज आपने क्या बोली कि इस बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट? हाँ, वो बीजेपी का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके बारे में मुझे लगता है हमें कुछ बात भी करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अगर शिवसेना शिंदे गुट का फोड़ा है, वो लोगों ने राज ठाकरे के साथ भी अलाइनमेंट की, जिनकी 2019 में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज राज ठाकरे ने मोदी साहब को किया था, मतलब कोई अदर पार्टी, मतलब उद्धव ठाकरे ने जितना क्रिटिसाइज नहीं किया होगा उससे ज्यादा राज ने किया था, वो लावरे तो वीडियो नाम से बहुत सारी चीजें, तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वही साबित कर रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है, हम कह सकते हैं अगर कहना है तो, लेकिन उनका है। और तीसरी बात मुझे लगती है कि लोगों के मन में, देखो महाराष्ट्र लोगों की मानसिकता के बारे में हमें फिर कभी सोचना चाहिए, यो हम जो बात कर रहे हैं जो वो 2-3 तरह से होती है कि पिछले इलेक्शन में किसने किसको वोट दिया, कौन से खासदार, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन 6 MLAs किस पार्टी के, उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं, लेकिन एक हम मुझे लगता है कि इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता के माइंड में, देखो जिस तरह से महाराष्ट्र मानसिकता के बारे में हम बात करते हैं, कहते हैं लोग, वो मुझे वो दिखाई देती है, किस तरह से दिखाई देती है, समझो 1880s में शरद पवार के साथ, 1980s में शरद पवार के साथ 56 MLA थे, वो छोड़ के चले गए, 50 छोड़ के गए, उसमें से कोई चुन के नहीं आया, लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये बार बार देख रहे हैं हम एक बार छोड़ने के बाद। और इसमें इसके पीछे मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे समाज शास्त्री है जो महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि महाराष्ट्र के आदमी को जहाँ पे अन्याय होता दिखता है, अगर उसको लगेगा कि पत्थर की दीवार भी हो तो उसके ऊपर अपना सर फोड़ने की उसकी मंशा रहती है, और ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती, जो भी कहीं अन्याय होता है, तो ये एक मानसिकता रहती है, उसका भी हमें, मतलब मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। और दूसरी तीसरी बात जो कह रहे थे, सॉरी, कि लोगों के अलग अलग व्यूज भी है जी, कि अगर चव्हाण साहब के बारे में, नांदेड़ के बारे में मैं अगर ये बोलूं तो लोग अपना अपना नैरेटिव बनाते हैं, तो ऐसा है कि अगर चव्हाण साहब, नांदेड़ वाले जो जाने जाते हैं अशोक चव्हाण, वो घोटाला, वो आदर्श घोटाला, अगर वो बीजेपी नहीं गए होते तो शायद वहाँ का बीजेपी का नेता चुन के आ सकता था, ऐसा वहाँ पे बात हुई है। कुछ जगह की 400 अहमदनगर में ऐसी बात हो रही है कि 400 जो है लोग वो मोदी साहब के लिए आने वाले, लेकिन यहाँ पे हम एक कम करेंगे, तो ये नैरेटिव समझो। बारामती की आपने बात की, ये साहब ने कहा बारामती बहुत अच्छा कहा कि वो शरद पवार अगेंस्ट अजीत पवार, लेकिन लोग ऐसा कुछ कहते हैं बारामती में कि इस बार हम सुप्रिया को वोट करेंगे और नेक्स्ट टाइम अजीत कुमार को करेंगे। अच्छा। तो इससे भी हमें पता चलता है लोगों के मन में क्या है, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे नैरेटिव्स आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने बहुत एक हिस्टोरिकल बात अच्छी कही कि शरद पवार के साथ जो 50 MLAs गए थे जब आई थिंक वसंत दादा पाटिल के साथ उन्होंने कोट अनकोट गद्दारी की थी, तो उसके बाद जब वो चुन के नहीं आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है, और शायद ऐसा ही कुछ हमें इस बार भी देखने में। उसके बाद शरद पवार गुट के लोग चुन के आए, और वो सभी लोग, उन्होंने जो नए लोगों को लड़ाया था वो सब चुन के आए, ये भी देखा, ये भी एक अच्छी बात है। सर, स्प्लिट वगैरह की पॉलिटिक्स की बात बहुत सारी हो गई, क्योंकि आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, और आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, 6 महीनों में महाराष्ट्र को अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं भी, आपको पता ही है, सितंबर में आया था यहाँ पर, और महाराष्ट्र में चल रहे कम्युनल कैंपेन पे मैंने काम किया, आप भी देख रहे हैं, आप सभी मेहमान यहाँ पर देखते आ रहे हैं, तो आपको इस इलेक्शन में कहीं पर कम्युनल पॉलिटिक्स होता दिखता नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कोल्हापुर में दंगल हुई थी, नासिक में दंगल हुई थी, भले ही वो दंगली जो भी थी 1 या 2 दिन से ज़्यादा टिकी नहीं, बट ये हुई तो थी चीज़ें, तो क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट होगा?
इन चीज़ों का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि दो तरह का हो सकता है। जैसे ये कम्युनल, कोई भी कम्युनल टेंशन, ये अपने आप नहीं पैदा होता है। देर आर फोर्सेस हु आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको कम्युनल टेंशन क्रिएट करना है, जो पॉलिटिक्स, जिसको हम ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बोलते हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो कि आज की बीजेपी का एक स्ट्रांग नैरेटिव, स्ट्रांग एजेंडा है। उसके तहत ऐसा लगता है, अपरेंटली ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पे पोलराइजेशन हो जाएगा और हिंदू वोट्स एंड मुस्लिम वोट्स, स्पेशली हिंदू वोट्स विल फेवर बीजेपी के जो खेमा है उसमें चला जाएगा। लेकिन आज की तारीख में और एक फैक्टर जो उसमें ऐड हो गया गए साल में, वो बहुत अहम है, जो है जिस किस्म का इमोरल डिफेक्शन एंड इमोरल ब्रेक, ब्रेकिंग ऑफ अ पार्टी। ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले में आप जाओ, आम लोगों को ये पसंद है। उसके खिलाफ लोग ये समझते हैं कि महाराष्ट्र तो गए 50-75 साल विकास की राजनीति करता आ रहा है, विकास के मुद्दे पे लेके बहुत सारे झगड़े आपस में एक दूसरे से सत्ता का संघर्ष भी हुए हैं, इसके बावजूद विकास के मुद्दे अहम रखते हुए सब पूरी सोसाइटी को एक साथ चलने की पॉलिटिक्स यहाँ बहुत बहुत जड़ों में यहाँ पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में जिस किस्म वाला पॉलिटिक्स सेट करने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल रिलीजियस पोलराइजेशन और दूसरे तरफ इमोरल किस्म का पॉलिटिकल ब्रेकिंग, ये इसके खिलाफ एक किस्म की नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पे। मैं नहीं जानता हूँ कि वो हाउ फार इट विल ट्रांसलेट इन इलेक्ट्रोल, ये लेकिन एक आम लेवल पे आप देखा जाए तो लोगों के मन में इसके बारे में एक नाराजगी है और एक हद पे एक गुस्सा भी है। वो गुस्सा मुझे लगता है ये इलेक्शन में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर सामने वाले वाला। आपसे बात कर रहा था इसलिए आपसे ही पूछूंगा मैं, आपने जो कारण बताया अभी, तो क्या कम्युनल पॉलिटिक्स होने की वजह से, ये दूसरा सवाल है, कम्युनल पॉलिटिक्स होने की वजह से क्या कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया? बिकॉज मुसलमानों में अच्छी खासी नाराज़गी है इस वक्त, लेकिन अब उनके पास भी मुझे लगता नहीं कोई ऑप्शन है, तो शायद वो इंडिया अलायंस को ही वोट करे। बट क्या लगता है कारण आपको कि कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया होगा मुस्लिम उम्मीदवार? फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कांग्रेस ने, शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उन्होंने भी नहीं दिया है, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो आज की तारीख में प्रबोधनकार ठाकरे की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, उन्होंने भी दे दिया है। लेफ्ट पार्टीज में भी नहीं दिया है, जो भी दो तीन जगह पे वो लोग लड़ रहे हैं। लेफ्ट तो महाराष्ट्र में है, दो तीन जगह लेफ्ट पार्टीज आल्सो कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस किस्म वाला पोलराइजेशन का, कम्युनल पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स किया है, उसके वजह से सभी पार्टियों को इसका एक डर है कि वो खुल के कम्युनल इश्यूज के ऊपर कुछ बात करे या ना करे। और मैं समझता हूँ ये डर जायज भी है, क्योंकि मीडिया का रुख जिस किस्म का है उसमें आपने, मैंने कुछ एक बात कही तो उसको किस ढंग से पेश किया जाए उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं, मीडिया के बाकी पॉलिटिशियंस का नहीं है। और ये सिर्फ पार्टीज का डर नहीं है, ये मैं समझता हूँ यहाँ की माइनॉरिटीज भी अच्छी ढंग से जानते हैं कि आज की तारीख में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो समझते हैं कि जो अपने साथ रहने वाले लोग हैं, जो आपको अपने साथ आने वाले लोग हैं, वो भी आज खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक समझदारी की, ये सिर्फ विनेबिलिटी, हाँ, ये नहीं है कि इन्हें आज की तारीख में ये दे आर हेल्पलेस, सिर्फ हेल्पलेस नहीं, हेल्पलेस तो है, लेकिन उसके बावजूद उसके परे जाके उनको ये समझदारी भी है कि आज की तारीख में हमें जो हमारे साथ इतने साल रहे हैं उनके साथ, उनका साथ निभाना है। और उस मायने में मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की, एक्चुअली इट विल बी अ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि महाराष्ट्र में 125 करोड़ पॉपुलेशन मुस्लिमों का है जी, और दूसरी बात है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरियस, हाँ, सो दे विल मेक अ डिसीजिव प्ले, डिसीजिव रोल इन द इलेक्ट्रल फाइनल रिजल्ट्स, ऐसा मुझे लगता है। सर, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात है, लेकिन इस कम्युनल वातावरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कोल्हापुर और इन सारी जगहों पर जाके आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे खास जानना चाहता हूँ। इसमें एक दो थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज़ें बताता हूँ। जैसे सर ने कहा कि आपने पूछा कि कांग्रेस एनसीपी उन्होंने दिया नहीं, दिया जिन्होंने है एमआईएम और वंचित,
जो भी मुस्लिम उम्मीदवार, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बेटी है, ये आरोप है, मैं नहीं मानता हूँ। तो ये देखिए, जो मतलब बीजेपी को जिनकी मदद हो सकती है उन्होंने ये उम्मीदवार दिए, तो कॉन्ट्रेडिक्टरी है। और ये बात सही है कि बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में, पूरे देश में भी हिंदुत्व और ओबीसी ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो माधव, माळी, धनगर, वंजारी, ये तो बीजेपी का फॉर्मूला ही रहा है। हाँ, तो इस बार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन धनगर तो माळी मतलब जो छगन भुजबळ को नासिक से बहुत ऊपर से मोदी और शाह चाहते हैं कि नासिक लड़े हो, लड़े इसलिए कि वो माधव में से माँ, फिर धनगर तो महादेव जानकर जो शरद पवार से मिले और एकदम से एक रात में ही वो परबड़ी में गए, और फिर पंकजा मुंडे वंजारी। तो एक जगह पे हिंदू मुस्लिम है और एक जगह पे ये ओबीसी मराठा कास्ट फैक्टर भी है, तो ये दोनों है। और आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर में जो भी कुछ हुआ तो इसका भी इम्पैक्ट जरूर है। मुझे ऐसा, मैं जब घूमा अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी वेव तो नहीं दिखाई दे रहा इस बार या सुनामी जैसा 2014-19 में, लेकिन मोदी फैक्टर है, मोदी इम्पैक्ट है, वो अर्बन इम्पैक्ट यानी कम्युनल इम्पैक्ट, हाँ मतलब अर्बन एरिया में है, दोनों है उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो पर्सनालिटी प्लस मतलब जो लाभार्थी हम बोलते हैं कि मतलब कैसा है कि देखो मुझे दो तीन देखने को मिला ऑब्जर्वेशंस, तो शहर में अर्बन में तो लोग बोलते हैं कि कश्मीर 370 अच्छा किया, सीए कर रहे अच्छा कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया अच्छा किया, तो एक तबका है कि वो खुश है, वो चाहता है कि समान नागरिक संहिता भी आ जाए वहाँ ये। हाँ, दूसरा तबका निचला थोड़ा ऐसा देखने को मिलता है कि उनको इससे लेन देन नहीं है, ये राम मंदिर सीए वगैरह, हाँ वो बहुत ही बोलते कि बेरोजगारी का क्या, महंगाई का क्या, हमारा पेट नहीं भर रहा है, लेकिन लास्ट में उनमें भी आता है लेकिन रेशन तो मिल रहा है थोड़ा मुफ्त, महाराष्ट्र में एसटी से तो मैं आधे टिकट में जा सकता हूँ, तो ये एक हेल्पलेस लाभार्थी वाली चीज फैक्टर बन सकती है, बन सकती है। और तीसरा तबका जो बात नहीं कर रहा था, मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो 2019 में चुप था वो बोल रहा है जी। तो वो ऐसा बोल रहा है कि हाँ ठीक है, राम मंदिर बने अच्छा किया, 370 रद्द किया अच्छा किया, लेकिन अभी वो बस हो गया, बेरोजगारी पे बोलो, नौकरियों पे बोलो, महंगाई पे बोलो, तो ये चीज अच्छी। तो आपके हिसाब से ये तीसरा तबका ज्यादा है या पहले? नहीं, अभी ये बहुत मुश्किल कहना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मोदी इफेक्ट पॉकेट्स में दिख रहा है, तो शोलापुर में दिख रहा है, कोल्हापुर में दिख रहा है, सांगली में दिख रहा है, जहाँ पर शाहू छत्रपति लड़ रहे हैं उसके बावजूद दिख रहा है कुछ कुछ शहर में, वहाँ पे जैसे बोला कि एक इसमें 6 आते हैं कंस्टिट्यूएंसी, तो ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन दिख रहा है, सातारा में थोड़ा दिख रहा है, पुणे में हम देख सकते हैं, नागपुर में, मुंबई में, तो ज्यादातर अर्बन एरियाज में ये दिख रहा है वो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो इफेक्ट या फैक्टर है, ऐसा वेव या फिर जो सुनामी बोलते हैं जिस तरह 2014-19 में, वैसा नहीं लग रहा। लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र में ये बहुत इम्पोर्टेंट, इतना ही नहीं ये भी चीजें इम्पोर्टेंट है, कास्ट भी इम्पोर्टेंट, ओबीसी मराठा, आपको पता है कि जरांगे का जो आंदोलन हुआ, उसी मुद्दे पे आ रहा था मैं तो, इनफैक्ट ये कह रहा हूँ कि आप ही कंटिन्यू कीजिए, कि मेरा सवाल ये है, आपको भी इसके बाद यही सवाल होगा मेरा, कि अब दो आरक्षण के मतलब मराठा आरक्षण का मुद्दा हुआ, उसके बाद ओबीसी आक्रामक हो गए, उसके बाद हमने देखा कि कुछ धनगर्स का भी आरक्षण का बीच बीच में चलता रहता है, तो आरक्षण का मुद्दा क्या, क्योंकि अब जरांगे पाटिल का भी क्लियर नहीं रहता, उनका पता नहीं कि वो किस तरफ बोल रहे, सो क्या लगता है आपको आरक्षण का मुद्दा किस तरीके से खेलेगा? आरक्षण का मुद्दा पॉलिटिकल आप हम सबको पता है, और इसीलिए जो मोदी जी ने भी शुरुआत की कि ये सब कांग्रेस मतलब इंडिया अलायंस एससी एसटी का ओबीसी का आरक्षण निकाल रही है और मुस्लिमों को दे रही है, तो राहुल गांधी को भी जब पुणे में आए थे दंगे करके रैली में, तो कहना पड़ा कि हम आने के बाद धनगर और ये आरक्षण देंगे, तो सब लोग वही कर रहे कि दिलासा दे रहे कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन देखिए बहुत ही मतलब कुछ मजेदार बातें हैं कि कहा जा रहा है अभी अजित पवार जो है वो भाजपा के साथ है, उनका अगर आपने मैनिफेस्टो देखा तो उन्होंने क्या कहा है कि बावजूद इसके हम पुरोगामी पार्टी है, हम सेक्युलर है जी। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, वो सब भूल गए, तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले बताया था, उन्होंने ये बताया कि हम हज हाउस बनाएंगे, उन्होंने मुस्लिम मेड़ावा भी लिया था, वक्फ बोर्ड के लिए 1 करोड़ की ये की है अल्पसंख्यक मंडल। तो देखिए ये मैं बोला कि इतना सब कॉन्ट्राडिक्टरी, तो जो अपने पक्ष में उसका उठाते हैं जो ये है, तो उसको एक तो ये फैक्टर जरूर है, लेकिन जरांगे का जैसा मैंने कहा कि मराठवाड़ा में दिखेगा, जहाँ पे उनका प्रभाव है, जालना है या एक दो और मराठवाड़ा में, औरंगाबाद मतलब संभाजीनगर भी, संभाजीनगर और परभणी दो इसमें ज्यादा धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होता है, बाकी इलाकों में
कास्ट फैक्टर। लोकसभा सीट का नाम अभी भी औरंगाबाद ही है। हाँ, औरंगाबाद नाम है। तो औरंगाबाद और परभणी में धर्म का प्रभाव दिखता है, बाकी जो लोकसभा सीट है उसमें कास्ट का, तो वहाँ पे ओबीसी मराठा ये भी है। और इंटरेस्टिंगली जैसे सर ने बताया कि ऐसा बोल रहे एक्सपर्ट्स कि मुस्लिम वोट जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर शिफ्ट हुआ है, चाहे वो मराठवाड़ा हो, मुंबई हो, तो मतलब बयान के बाद समाजवादी पार्टी की ओर गया था, तो बाद में कांग्रेस के बाद गया था, तो अभी ऐसा बोल रहे कि उद्धव ठाकरे के पास जाएगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं अपने जो बाकी कजिन से इन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो जिस तरीके की उद्धव ठाकरे की प्रशंसा दिखने को मिलती है वो एक अनपैरेलल है, किसी और नेता के लिए नहीं दिखती। लेकिन सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, इस मराठा आरक्षण के मुद्दे का कैसा इम्पैक्ट होगा और क्या हो आपको, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सबको? मराठा महाराष्ट्र की एक रूलिंग पार्टी थी, उसके अगेंस्ट जो माधव बोल रहे थे वो भी 1990 में इकट्ठा हो गए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वीपी सिंह ने ओबीसी का मंडल आयोग का एक्सेप्ट करके ओबीसी ने दे दिया, उसके बाद ओबीसी पार्टनर हो गए। और बहुत मराठा समाज के लोग हैं, वो कुणबी नाम का एक सर्टिफिकेट मिलता है, कुणबी यानी जो फार्मर्स कास्ट, फार्मर्स जो मराठा है वो कुणबी कास्ट का लेते हैं, वो ओबीसी में ज्वाइन हो गए। जब उसमें हमको मिक्स कर दो ऐसा लोगों का डिमांड था, लेकिन मराठा के लिए सेपरेट आरक्षण करने की अनाउंसमेंट फडणवीस ने की। बीजेपी जब था उस वक्त मराठा आरक्षण का इशू जोर से आ गया और 5-6 साल के पहले पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे मराठा आरक्षण का आंदोलन हो गया। जब उसके बाद जरांगे ने जो आंदोलन किया है उसके ऊपर लाठीचार्ज हो गया और बहुत वो स्पीड पकड़ा, तो मराठा लोगों का भी विशेषतः जो यूथ्स है उनको लगता है कि नौकरी नहीं है, कुछ तो आरक्षण के बाद नौकरी मिलनी चाहिए। उनका ये नहीं कि हमको आरक्षण चाहिए उसके जगह कि हमको भी एम्प्लॉयमेंट नौकरी, ये रोजगार का सवाल है एक्चुअली आरक्षण से ज़्यादा। अब उनको ये जरांगे चाहे आंदोलन के उसको सीएम ने जिस तरीके से हैंडल किया उसकी वजह से आधे से ज़्यादा मराठा समाज के लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट मिल गया और वो ओबीसी में शिफ्ट हो गए। इसीलिए ओबीसी जो ओरिजिनल है यानी पहले वो बहुत डिस्टर्ब, उनको खतरा महसूस हो रहा है, और वो ओबीसी जो बेसिकली बीजेपी के साथ है वो डिस्टर्ब होगा। और अगर वो विदर्भ में अगर शिफ्ट हो गए या मराठवाड़ा में अगर वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गए वो बीजेपी के वोट को बहुत बड़ा डेंट कर सकता है, बैठने वाला है, और यही इस इलेक्शन का, ये इलेक्शन के वो बहुत टेंशन का काम है। फिर दूसरा ऐसा होगा कि मराठा का सबको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो उसका टोटल कितने को मिला है कितने को नहीं मिला है उसके फिगर्स अलग अलग बोल रहे हैं। जिनको मिला है वो भी हैप्पी नहीं है, वो बीजेपी की तरफ आएंगे या सत्तारूढ़ की तरफ आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, वो अपोजिशन के पास जाएंगे वो भी पता नहीं। तुम आप इलेक्शन का अभी दो हो गए हैं, तीसरे आज का प्रचार खत्म हो गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर मैं मराठा आरक्षण दूंगा ये करूंगा कोई भी स्टेज पे बात नहीं कर रहा है, तो आरक्षण मराठा आरक्षण का मुद्दा इलेक्शन के बीच चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं इतना बड़ा नहीं मुद्दा ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लेकिन लोगों के बीच में मन में वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका इफेक्ट होने वाला है 100% दोनों तरफ से होगा, किसकी तरफ जाएगा वो अलग इशू है। क्या सर आप काउंटर करना चाह रहे थे? कुछ ऐड करना चाहूंगा सर ने बहुत सही बताया कि ये ओबीसी और मराठा जो अनरेस्ट है उस थोड़ा बीजेपी के माहौल में थोड़ा हम जो बोल रहे थे कि थोड़ा डर क्यों लग रहा है कि कैंपेन, तो इसका ये एक और एंगल में बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम तो है तो बीजेपी को पता है पहले से, लेकिन इस बार दलित जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, तो दलित और मुस्लिम इसके 2-3 वजह है। एक तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में दलित लीडरशिप उतनी बनाई नहीं जी, रामदास आठवले है लेकिन वो मतलब अपने लिए है तो उनको मिल गया, उनका अपना अलग ही केंद्र में चलता है। हाँ, तो अगर सीट मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए, खाता मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, तो उस तरह से उतना नहीं है। और जो भी ज्यादा बीजेपी की डिपेंडेंसी है वो कि जो वंचित है अंबेडकर की वो कितना नुकसान पहुंचाती है उसके ऊपर है, तो खुद की एक लीडरशिप नहीं है और शायद ऐसा लग रहा है कि दलित और मुस्लिम शिफ्ट हो रहा है। एक उदाहरण दूंगा कि अभी शोलापुर का लीजिए, शोलापुर में बहुत कांटे की टक्कर है, वहाँ पे हिंदू का भी मुद्दा है, तो लेकिन इस बार
मविवा ये प्रणीति शिंदे और राम सतपुते की स्टेट फाइट हो रही है, वहां पे वंचित अघाड़ी का है ही नहीं उम्मीदवार, उसने नामांकन वापस लिया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। पिछली बार 1.5 लाख 1,70,000 मिले थे प्रकाश अम्बेडकर जी को, एमआईएम का भी नहीं है, तो ऐसा कयास लगाया जाए कि तो ये जो वोट है 1.5 लाख क्या वो शिफ्ट हो सकता है, एक उदाहरण दिया, तो इसलिए भी थोड़ा सा अनरेस्ट है। तो ये अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो अंदाजे है, बहुत मुश्किल है इस बार ये करना। संदेश सर, अब आखिरी डिस्कशन के आखिरी सेगमेंट में हम आते हैं, क्योंकि हम पुणे में बैठे हैं, थोड़ा पश्चिम महाराष्ट्र का असेसमेंट बताइए, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं, आपको हमसे बहुत ज़्यादा पता है, आप सभी को क्या हो रहा है पुणे में, दंगे कर आ रहे हैं कि मोहड़ आ रहे हैं, और इन जनरल भी पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में क्या आपकी वेव्स है, वेव है नहीं है, इसके बारे में सही बातें चल रही है। वेव्स ऊपर से नहीं दिखती बहुत बार, ये भी हमें जानते हैं बहुत सारे सालों से, लेकिन लोगों का जो आमतौर से बात करते हैं उससे कुछ 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 अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि पूरा हम सर्वे कर रहे हैं। हाँ, ये भी हमें बोलते समय मैं भी ध्यान में रखूँगा और मेरा जो कहना है उसी हिसाब से भी लेना चाहिए जी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं ऐसे देखता हूँ कि जो चीज़ें मीडिया में आ रही है, जो प्रिंट मीडिया में आ रही है, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में आ रही है, जो चीज़ें आपके जैसे चैनल पर आ रही है, उसके अलग लोग भी कुछ बात करते हैं, वो भी मुझे लगता है वो ध्यान में लेना चाहिए, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि और कुछ लोग, मतलब एक चीज़ मुझे ऐसे बतानी चाहिए कि एक साल पहले से हम बात कर रहे थे कि कर्नाटक में जो एडुलू कर्नाटक नाम की मूवमेंट थी, वैसे महाराष्ट्र में भी आप कम लोगों को पता है कि पूरे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संस्थाएं लगभग, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आती थी, वो पूरे एक साथ आके उन्होंने निर्धार महाराष्ट्र का नाम से एक कैंपेन चलाया, जो किसी मीडिया में उसकी दखल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लोग मीटिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, कोई नेता के सामने जाके हम ऐसा काम कर रहे हैं ऐसी बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि 100-150। और इन मीटिंग्स में बातें क्या होती है? उस मीटिंग वही बातें होती है कि इस बार हमें क्या करना है, यानी मतलब 10 साल हमने, बातें होती हैं। हाँ, 10 साल हमने देख लिया नहीं, एक तो उसमें क्लियर मेंशन है उसमें उनका एजेंडा कि बीजेपी आरएसएस को हमें सत्ता से हटाना है। अब ये वो कोई ऐड देते नहीं है, वो लोगों से बात कर रहे हैं, और उससे कुछ फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन ये उसका भी इम्पैक्ट कुछ होता है वो मुझे पता नहीं कितना उसमें होगा, लेकिन ये भी एक अंडर करंट है जी। ऐसा मुझे सिर्फ पॉइंट करना है जी। क्योंकि उससे उससे ये भी पता चल सकता है कि लोगों के, जैसे हमने कहा, आपने भी कहा कि वो पुणे में जो दंगेकर का सीट के बारे में हम बात करें, तो कभी भी पिछले 25-30 साल से कस्बा मतदार संघ जो है जी, पूरा का पूरा बीजेपी का रहा है, कितने भी दिग्गज आए, लेकिन ये अचरज हुआ कि पूरे बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टियां एक साथ आ गई, जो हम कहते हैं, मतलब हम लोग प्रोग्रेसिव दर्शकों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पिछले साल एक एमएलए का बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें कस्बा पेट एक परंपरागत बीजेपी की सीट मानी जाती थी, जहाँ पर रविंद्र दंगेकर जीते थे, जो आज लोकसभा के उम्मीदवार हैं जी। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ था कि बीजेपी के समर्थ लोगों ने भी ये बोलना शुरू किया कि ये यहाँ पे बहुजन उम्मीदवार आपने कैसा खड़ा किया, ये ब्राह्मीण उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए, तो भी उनका कहना था, लेकिन उसके अगेंस्ट वाले जो थे, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी एक साथ थे उनके साथ उस समय, लेकिन शिवसेना का हो, तो हर एक ने कैलकुलेट करके पूरी जीत उनको दिला दी और एक साथ काम किया। मुझे लगता है कि ये लोकसभा में भी एक भी उसका जो अलाइनमेंट था वो पूरा पुणे में लोकसभा के साथ दिख रहा है, मुझे लोग काम कर रहे हैं। वो हमें यहाँ पे जो एक सभा हुई थी यहाँ पे निर्भय बनो की पुणे में, जो शायद निखिल वागड़े के ऊपर पूरा उन लोगों ने उसकी गाड़ी फोड़ दी थी, उसके कांच फोड़ दिए थे, उन्होंने कहा था ये सभा नहीं होंगी, तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त पूरी तीनों पार्टियों के यंग लोग यहाँ के खड़े थे, मतलब देखते हम यहाँ कैसे वो सभा होने नहीं देंगे, तो अपने 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 उससे आए थे। तो आप कह रहे हैं कि जो महाविकास अगाड़ी का समीकरण है वो निचले लेवल तक भी पहुंच चुका है, बहुत पहुंच चुका है, मतलब कार्यकर्ता लेवल पे पहुंच चुका है, और वो एक साथ काम करते दिख रहे हैं मुझे। पुणे की लड़ाई जो है वो इंटरेस्टिंग बनी है, क्लास की लड़ाई बन रही है। अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वसंत मोरे वंचित के भी उम्मीदवार है, उनके भी ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंटरेस्टिंग फाइट है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एक तरफा लग रहा था वैसा नहीं है। अच्छा, मोहर एक तरफा लग रहा था लेकिन अब नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग फाइट लग रही है। ठीक है, अब एक और मिस हो गया, वंचित के बारे में आप बात कर रहे थे।
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 2019 में वंचित ने बहुत सारे वोट हासिल किए थे और कांग्रेस के 10-12 सीटों पे इम्पैक्ट हुआ था और गिरे थे। पिछले एक साल से मैं आपको बता रहा, क्योंकि हम दक्षिणायन नाम से या निर्धार महाराष्ट्र के नाम से मूवमेंट करते हैं, तो और हमने एक बाकायदा 6-8 महीने पहले खत भी निकाला था राइटर लोगों का कि आरएसएस और बीजेपी के अगेंस्ट जो आपको अच्छा लगेगा उम्मीदवार उसको वोट कीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ एक बताता हूँ मैं, मतलब ये खुले में बात करने को छाई है। बहुत सारे जिले के वंचित में जिन्होंने 19 में काम किया है, इस तरह के प्रोफेसर्स कार्यकर्ता मुझे फ़ोन कर रहे कि आप फिर से वो खत निकालो। अभी वो बाकायदा निकल भी गया, लेकिन हम इस बार ये हो रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हर एक जिले से, मतलब 36 जिला है तो मुझे 25 जिले से लोगों का फोन आया था, प्रोफेसर जिन्होंने खुद पैसा डाल के, मतलब हम बोलते हैं कभी लूजली स्टेटमेंट करते हैं बीजेपी ने पैसा दिया, एक्चुअली वंचित के जो फॉलोअर्स हैं हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, वो खुद का पैसा, खुद का समय, 2-2 महीने का उन्होंने प्रचार भी किया है नांदेड़ में, लातूर में, पिछली बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के नाम भी मेरे पास है, मतलब अच्छे लोग हैं, और वो कहते हैं कि इस बार हम ये नहीं हो, इंडिया के साथ है, अच्छा हमें निर्धार में शामिल करो। मतलब निर्धार कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि उसका मेंबरशिप है ऐसा कुछ, फिर भी अगर ये है तो मुझे लगता है ये भी काम करेगा, इसका भी इम्पैक्ट होगा, वो देखना पड़ेगा, हमें अभी पता नहीं। संजय जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम तक पहुंचा रहे हैं, जो आप ग्राउंड पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच की बातें हम तक ला रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका। बस आखिरी आप दोनों से बात होगी और हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में वही सवाल है, क्या लग रहा है आपको पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में? मुझे एक लग रहा है कि जो पॉलिटिक्स सतह पर दिखाई दे रहा है, जो पार्टी पॉलिटिक्स के तहत हम देखते हैं, उसके परे जाके आम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिस किस्म वाली राजनीति चलती है, उसमें एक मुझे लगता है एक निर्णायक बदलाव आने की उम्मीद है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट मॉरालिटी, हाँ पॉलिटिक्स विदाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज, वो पॉलिटिक्स नहीं है, जिसको हम संविधान के आज भी ये सब चीजें मानी, आज भी से ये सब चीजें मानी जाती है, आज ये लोगों को जरूर मानी जाती है, जरूर मानते हैं लोग। आप देखिए ना कि हर एक के फैमिली में जो भी डिसीजन होते हैं वो एक किस्म की मॉरालिटी से चलती है जी। कि कोई सिर्फ एक दादा है, कोई बाप है करके वो बोलेगा सब लड़का सुनेगा, ऐसा नहीं होता है, कम से कम महाराष्ट्र में नहीं होता। और मुझे लगता है अम्बेडकर हो या महात्मा फुले की जो वैल्यू सिस्टम है, जो पश्चिम महाराष्ट्र की नींव है, उससे जो आगे आई हुई जनरेशन है उनको ये आज की तारीख में बहुत बड़ी पैमाने पे बुरी चीज़ लग रही है, जिस किस्म का इमोरल पॉलिटिक्स है। और मुझे लगता है उसके खिलाफ एक अंडरकरंट विजिबल हो, कैसे विजिबल होगा मुझे पता नहीं इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल रिलेशन रिजल्ट्स, लेकिन वो जरूर है। एंड बीजेपी विल हैव टू लर्न लेसन्स कि इस किस्म का अनैतिक राजकारण महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। पॉलिटिकल अरोगेंस विद अनैतिकता, अनैतिकता है। आप किसी को बोले कि आप हमारे साथ आए और हम आपको साफ सुथरा डिक्लेयर करें, ये चोरी का मामला है, ये इमोरालिटी है। जाते जाते हम काफी बीजेपी की खराब बातें ही कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है बीजेपी की कुछ अच्छी बातें ही बताइए आप, क्या इस बार बीजेपी की पॉजिटिव बातें क्या है इस इलेक्शन में? वेस्टर्न महाराष्ट्र का बोलता हूँ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर नगर डिस्ट्रिक्ट हमने मिक्स कर दिया तो 12 सीट्स जी, लास्ट टाइम एनसीपी की 3 थी और 9 सीट्स बीजेपी और शिवसेना, इतने बुरे इलेक्शन में भी 3 लास्ट टाइम रख पाए थे। महाराष्ट्र में 4 सीट आई थी एनसीपी की, उसमें से 3 पश्चिम यहाँ पे थे। ये तीनों सीट पे एनसीपी वर्सेस एनसीपी, ये दो गुट में बीजेपी ने अभी लड़ाया है, इसमें से 2 सीट्स है, तीसरी जगह सतारा है जहाँ पे उदयन महाराज को दिया है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि शिवसेना का जो स्प्लिट हुआ है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 12 सीट्स है ये टोटल पश्चिम महाराष्ट्र है, ये कोऑपरेटिव बेल्ट है। कोऑपरेटिव बेल्ट में क्या है, हर एरिया में जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी एक शुगर फैक्ट्री बनाई है, उसके कोई लोग हैं, उसके अगेंस्ट लोग हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है हम हमारा काम करेंगे, हम हमारा ये करेंगे, उसके ऊपर वहाँ का टोटल इकोनॉमी डिपेंड है, उसको उध्वस्त करने का या उसको टक्कर देने का काम बीजेपी ने गए 10 साल में किया है। ये 10 साल में उन्होंने वो जो घराने चाहिए जो बोलते हैं हम लोग, उसके हर जो एक फैमिली रहती है वहाँ की जो लीडर फैमिली, वो बीजेपी की तरफ खींचो,
खींचने का प्रयास हो गया, उसमें से कुछ फैमिलीज अभी इस इलेक्शन में लास्ट मोमेंट पे अगेंस्ट बीजेपी गए, इसीलिए माढ़ा की और सोलापुर की इलेक्शन जहाँ से बीजेपी लास्ट टाइम चुन के आई वहाँ पे दोनों जगह पे टक्कर आ गई है, क्योंकि वो फैमिलीज फिर से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हुई। और मुझे ऐसा मेरा अनुमान है कि ये जो 12 जगह पे सीट होगी, लास्ट टाइम 9 थे, बीजेपी और शिवसेना 4 या 5 में सिमट जाएंगे और 7 से 8 तक महाविकास आघाड़ी जाएगी, ऐसा अभी का अनुमान है। बहुत क्लोज फाइट्स हो रही है, 2-3 जगह पे ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, जैसा उसका सांगली में आप देखो तो वसंत दादा पाटिल के हमारे जो फॉर्मर चीफ उसका उनके बेटे ने रेबेल किया है, पोते ने रेबेल किया है। राजू शेट्टी जो शेतकरी संगठन का है वो हाथ कड़ंगले, लेकिन वहाँ पे शिवसेना का जो है वो भी स्ट्रांग चल रहा है, उद्धव गुट का सत्यजीत पाटिल माने नहीं आने वहाँ पे, सत्यजीत पाटिल स्ट्रांग चल रहा है। शाहू महाराज खुद कांग्रेस की तरफ से आ गए, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी यहाँ इस एरिया में, इस साल 3-12 में लड़ रहे हैं, उसमें से 2 आने की संभावना लग रही है अभी। ओके, तो कांग्रेस को बेनिफिट हो गए महाविकास आघाड़ी से, शिवसेना का गुट का यहाँ पे जितने सीट्स थे 4 बीजेपी के थे, इतने आने की संभावना अभी कम लग रही है, लेकिन नहीं तो रिटेन करेंगे, 2 या 3 तक हो जाएंगे उसके, यानी बीजेपी को लॉस हो रहा है, बीजेपी को लॉस है, और शिवसेना को जो 2 धड़ हुए वो अपने अपने मेंटेन करेंगे, लेकिन शिंदे गुट का लिए 1 या 2 सीट निकल सकती है, अजीत पवार का आने की बहुत कम चांसेस है, एक आध दूसरा सीट निकल गए तो निकल गए, ये पश्चिम महाराष्ट्र की अभी की स्थिति है। सर कुछ कहना चाहते हैं? इस बार मुद्दे छूट ना जाए, किसानों का कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा है, सोयाबीन कपास प्याज तो मराठवाड़ा में विदर्भ में सोयाबीन कपास के किसान नाराज है, इस बार महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति है, पानी की किल्लत है, बहुत धूप है, तो उसका गुस्सा जायज जो सत्ता में होते हैं उनके ऊपर होता है, और जो मतदान कम होता दिख रहा है हर एक इसमें 5-5%, तो उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फेंस पे बैठा हुआ मतदार है कि जिसको गारंटी नहीं कि मैं इसने डिसाइड नहीं किया किसको वोट दे, उसको दिया तो वो दूसरी पार्टी में चला ना जाए तो ये भी डर है, तो शायद नोटा भी बढ़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे है, उस दिन क्या होने वाला है ऑन डीडी, हाँ कितना वोटिंग होने वाला है, तो ये बहुत जैसा सर ने बताया कि इतनी उतल पुतल हुई है, 2 ही उदाहरण देता हूँ, लास्ट इतने साल अजित पवार सुप्रिया सुले को जिताने के लिए लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए लड़ रहे, धनंजय मुंडे ने पिछली बार मुंडे को हराया था वो जिताने के लिए लड़ रहे, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन तो इतना है, तो इसलिए जो मैं तो कहता हूँ कि मतदाताओं की परीक्षा है इसमें, उम्मीदवारों की परीक्षा रहती है लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार जो वोटर्स है उनकी कड़ी परीक्षा है कि वो क्या करने वाले हैं। चलो हमारा डिस्कशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है और इस स्टेट को एक नज़रिए से देखना बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि इतने सारे जितने लोग उतनी बातें, और यहाँ पर जो आज पैनल में डिस्कशन में हमने सुना वो बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा, मैं आई डोंट नो इफ आई शुड यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मैं एक तरीके से तृप्त हो गया इन सब की बातें सुन के, बहुत सारी बातें मुझे सीखने मिली, महाराष्ट्र का दर्शन आई होप आप सभी को हमारे माध्यम से हुआ होगा, और चुनाव में क्या होगा वो तो खैर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने करोड़ मतदाता जहाँ पर होते हैं उसका अनुमान लगाना मतलब मुश्किल भरा ही काम होता है, और जैसे कि सर ने कहा, बस मैं जाते जाते एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं खुद भी बारामती में था, और बाकी सारे मुद्दे अलग, हम जितना भी पॉलिटिक्स डिस्कस करें, जितनी भी ये आएगा वो आएगा, ये जीतेगा वो जीतेगा, ये सब डिस्कस करें, लेकिन आखिरकार जो किसान है, जो महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, उसको सुधारना, उसकी हालत सुधारना आज इस स्टेट की और इस देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि इस डिस्कशन में पार्ट हुए, बहुत शुक्रिया, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ राष्ट्र सेवा दल का कि उन्होंने हमें जगह दी यहाँ पर ये शूट करने की। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर।